हमें कहाँ ले जा रहे हो रोमू? कसराख नतून फरमारवा का हुक्म है। ये तैयार है जनाब हुरमू, हरकत करो। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? कोशिश करूंगा जवाब देने की। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? आपके ख्याल में जनाब आमून होता, मेरा मतलब है कि जनाब अखनातून ने हमें किस लिए तलब किया है? महकमे के लिए। जनाब फरमारवा शहर के चंद मौजूदीन की मौजूदगी में मुआखजे का इरादा रखते हैं। लोगों में ये चेमें गोइयां हो रही हैं कि आमून कलाम किया करता था और एक जिंदा खुदा था, ना कि एक मुजस्मा। जनाब अखनातून ये जानना चाहते हैं कि आखिर आमून किस तरह कलाम किया करता था। मैं जनाब अखनातून को तो उसका जवाब दे दूंगा, लेकिन आप तो हमारे दोस्तों में से थे और हमारी हिमायत की बदौलत लश्करे मिस्र की कयादत के ओहदे पर फायज हुए थे। आपने हमें तन्हा क्यों छोड़ दिया? हम तो आपसे नुसरत और हिमायत की तवक्का रखे हुए थे। मैं अब भी आमून का पैरोकार हूँ और आपके लिए भी खास एहतराम का कायल हूँ, लेकिन आमून से पहले मेरे लिए अखनातून का हुक्म हुक्म खुदा का दर्जा रखता है, क्योंकि वो फर्जंद खुदा है, यानी मिस्र के तमाम ही फरमारवा मकाम नी में खुदाई रखते हैं। वो मेरे और तमाम मर्दमे मिस्र के फरमारवा है। मेरा दिल तो चाहता है कि आपके लिए कुछ करूँ, लेकिन मैं कर नहीं सकता। क्या आप जानते हैं कि हमारा महकमा कौन करेगा? गालिबन जनाब युजार। युजार सिर्फ अब तक हमसे दस्तबरदार नहीं, क्या वो हमें हमारे हाल पर छोड़ नहीं सकता? खुदावंद यक्ता की बेशुमार नेमतों पर उसका शुक्र अदा करता हूँ। अगर खुदावंद यक्ता की लुत्फ व इनायात न होती तो हम कहत से नबरद आजमा होने के लिए कबल अज़ वक्त कोई चारा जोई न कर पाते, और तब ऐसे में नहीं मालूम हमारा अंजाम क्या होता। नील को देखें किस तरह खुश्क हो चुका है, खेत खलियानों को देखें किस तरह मुरझा गए हैं। हमारा अंजाम भी यकीनन इनसे मुख्तलिफ न होता। फिल वक्त दीगर ममालिक को आपकी मदद दरकार है। अगर खुदावंद की इनायात न होती तो आज आप लोग भी दूसरे ममालिक की तरह जरूरतमंद और दरमानदा होते। बस इन नेमात और इनायात की कदर कीजिए और उसका शुक्र अदा कीजिए। अब जबकि आप उन बेजान पत्थरों और जिल्लत और गुमराही की उन निशानियों की परस्तिश नहीं करते, बस लाजिम है कि उनकी जगह खुदावंद यक्ता की सताइश और परस्तिश करें। हम हुक्म देते हैं कि आज से माबद आमून में खुदा यक्ता की परस्तिश की जाए। खुदावंद हम सबके कुलूब को पहले से भी ज्यादा हिदायत के नूर से मुनव्वर करे। हरकत करो। युदामून जी, आली जनाब जी, युदामून ही हुआ है।
इतने अरसे आप कहाँ थे? मैं तकरीबन 10 साल तक वहां पर गया हुआ था जनाबे हुरमहूक के हमरा। लेकिन आज के बाद से आप हमारे हमरा रहेंगे। हम कहाँ हैं? ये कौन सी जगह है? ये जनाबे यूजार सीफ का घर है। आप बेहोश हो गई थी इसलिए मैं आपको यहाँ ले आई। आप आसनाद हैं हम सरे यूसुफ। मैं समझती थी कि सिर्फ मैं ही जनाबे यूजार सीफ से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, लेकिन जो कुछ भी मैंने आपकी नदीमा से सुना है तो इश्क को मोहब्बत करना तो आपसे सीखना चाहिए। 30 साल अश्क को आओ इश्तियाक, 30 साल फुरकत और मलामत और जुदाई। बाखुदा कसम, ऐसा आशिक काबिल सताइश और ऐसा सब्र तामुल काबिल तारीफ है। मेरा इश्क वैसा पाकीज़ा नहीं था जैसे आप कह रही। यूसुफ कहीं ज्यादा बढ़कर है। मुझ जैसी गुनाहगार और बद किरदार उस पाक दीनी हस्ती से इश्क कर। मैंने तो अपने इश्क को हवस और नफसानी ख्वाहिशात से आलूदा कर दिया था, जिसकी तवील सजा अब तक काट रही हूं। आप समझती हैं कि आप सब कुछ जान चुकी हैं। 30 साल बारे मलामत उठाना, 30 साल ताने और तशने सुनना, जलीलों और हकारत बर्दाश्त करना, 30 साल मुसलसल गिरिया करना और अश्क बहाना, 30 साल गली कूचों में सरगर्दा और परेशान मारे मारे फिरना, 30 साल एक मकसद के पीछे मुसलसल भागना, वो सजा थी जो मैंने बर्दाश्त की। मेरी तमाम मालूमत बस इतनी ही महदूद है जो कुछ लम्हे मैंने आपके साथ गुजारे या जो कुछ भी आपकी खादमाओं से आपके बारे में मैंने सुना। अगर मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानती हूँ और जो कुछ भी आप पर बीती उससे बेखबर हूँ तो इसमें मेरी कोई कोताही नहीं है। देखना होगा कि यूसुफ आपसे इतने अरसे क्यों बेखबर रहे। उन्हें अपनी इस बेखबरी का जवाब देना होगा। नहीं नहीं खुदारा, आज यूसुफ से ऐसा कुछ नहीं कहेंगी। आप परेशान मत होइए, मैं अभी आती हूँ। जनाबे यूजार सीफ कहाँ है इस वक्त? वो इवानत कसर में जनाबे आखनातून के पास तशरीफ फरमाए। मेरे साथ आओ। आसनाद रुक जाइए। आसनाद, भला यूसुफ को कैसे पता चलता कि मुझ पर क्या गुजरी? वो सभी लोगों का गमखार और मददगार है। मुश्किलात और मसाइब का एक सिलसिला है जो उसको घेरे हुए है। यूसुफ पर जुलेखा की जारहदारी नहीं कि वो सिर्फ जुलेखा के बारे में सोचता रहे। मेरे सुनने में आया है कि जब तक आप माबद में रहे आमून लोगों से कलाम करता रहा, लेकिन आपकी अदम मौजूदगी में आमून ने फिर कभी कलाम नहीं किया। क्या आपको यकीन है कि वो आमून जिसे अपने तहफ़ के लिए भी काहिनों की मदद दरकार हो किसी से कलाम कर सकता है? गैर मंतकी दलाल से अवाम को तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन जनाबे यूजार सीफ को नहीं दे सकते। हकीकत तो यह है कि
आमून के नजदीक वाली खिड़की से आवाज को थोड़ा बहुत बदल कर मैं ही लोगों से कलाम करता था। मावत में आवाज की बास गश्त ने कुछ लोगों को इस गलत फहमी में मुब्तला कर दिया कि ये आमून कलाम कर रहा है। तुम एक अकलमंद इंसान हो आखमाहू, तो फिर तुमने अपनी सकलमंदी और फहमो फरासत को लोगों की फलाह बहबूद के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं किया? एक झूठ की मुसलसल तकरार बसा औकात बाइस बनती है कि खुद साहिब कलाम उन मतालिब पर यकीन कर लेता है। ये मुसलसल तकरार बाइस बनी थी कि हम भी आमून को एक खुदा तसव्वुर करने लगे। लोगों की जहालत और नादानी और दुनिया की दिलफरेब लज़्ज़तें बहुत वसवसा अंगेज होती हैं। लोग यही चाहते थे, हमने भी मफादात में इस्तेमाल किया, बस यही। लोगों की यह नादानी भी आप ही की उस झूठ के बायस है जिसके तकरार पर आप लोग भी उसे ही सच समझने लगे। अवाम अहमक नहीं है, आप लोगों ने चूंकि हकीकत उनसे छुपाई लिहाजा उन्होंने आप ही के झूठ को हकीकत समझ लिया। आप जरा हक को बातिल को एक साथ उनके सामने पेश करें और फिर देखें कि वो किसका इंतखाब करते हैं। बानो आसनात, हम सारे अजीज मिस्र शर्फ बारिया भी चाहती हैं। इजाजत है? बानो आसनात को किसी इजाजत की जरूरत नहीं। उम्मीदवार हूं कि नबी खुदा मेरी जसारत पर मुझे बख्श देंगे, क्योंकि मैं उनकी शिकायत जनाबे अखनातून की खिदमत में पेश करना चाहती हूं। आसनात, आज काहिनों का महकमा है, मेरी शिकायत फिर किसी वक्त के लिए उठा रखें? मुझे जरा जल्दी है, लिहाजा मैं इंतजार नहीं कर सकती। इन काहिनों का महकमा बाद में सही। बानो आसनाद, अपना मुद्दा बयान करें। मैं जानना चाहती हूँ अजीज मिस्र जनाबे यूजार सीफ के, जिन्होंने अपनी तमाम उम्र मर्दमे मिस्र को आसाइश पहुंचाने में सर्फ कर दी, भला एक परेशान हाल नाबीना और दिल सौख्ता ज़ईफ़ा से क्यों कर बेखबर रहे? क्या हुआ? क्या हुआ बानो? क्या हुआ बानो? बानो, क्या हुआ? बानो, बानो। जिस ज़ईफ़ा का आप जिक्र कर रही हैं, भला उनके बारे में मुझे कैसे खबर होती? मेरे ख्वाबों ने तो मुझे काफी अरसे से मुस्तरब किया हुआ था, आप तो शाहिद हैं इसकी, ऐसे में मैं उन्हें कहां तलाश करता? आप उन्हें जानते थे, लेकिन उनसे बेतवज्जोही बढ़ती। वही जिसने सालों मोहब्बत से आपको परवान चढ़ाया, और जब आतिश इश्क उनके वजूद में भड़क उठी और उनके पूरे वजूद को अपनी लपेट में ले लिया, तब आपने उन्हें अकेला छोड़ दिया। कोई और नहीं जुलेखा है। जुलेखा? नहीं, ये मुमकिन नहीं। जुलेखा एक खूबरू और शरवतमंद अशराफजादी थी, ये कैसे मुमकिन है कि वो जुलेखा हूँ? आपके इश्क ने उन्हें इस हाल को पहुंचाया है। उन्होंने 30 साल आपका इंतजार किया, 30 साल आपकी तलाश में मारी मारी फिरती रही, अपनी तमाम हस्ती जवानी और खूबसूरती आप पर निसार करती, और फिर भी आप उनसे बेखबर ही रहे। ये सब सच नहीं है आसनात, ये पूरी हकीकत नहीं है। जनाबे फरमा रवा ने
खुद मुझे उस कैद से आजाद करवाया था जहां पुतिफार और जुलेखा ने मुझे डलवाया था 12 साल पहले। हाँ, हम इस बात के गवाह हैं कि किस तरह जना ने मिस्र और जुलेखा ने युजारसीफ पर तोहमत लगाई थी और उन्हें 12 साल जिंदान में डाले रखा, उस जुर्म में कि जिसके वो कभी मुर्तकिब ही नहीं हुए थे। सभी ने अपने अपने जुर्म का एतराफ किया था और युजारसीफ की बेगुनाही की शहादत दी थी। लेकिन मैंने रिहाई पाने के बाद उनके साथ क्या किया? कुछ नहीं। मैंने उन्हें और उनके शौहर को सजा नहीं दी, उन्हें तो इस बात पर खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए था। और फिर वैसे भी मुझे क्या मालूम था कि मिस्र की बानुए दोम एक ऐसी साहिबे जाहो मर्तबा इस हालत को पहुंच जाएंगी। उन्होंने उरूज से जवाल देखा है और अब उन्हें दिलजोई की जरूरत है। आप जानती हैं मैं खुद उन ज़ईफ़ा खातून की दिलजोई करने के लिए बेचैन था। कई बरसों से उन मोहताज ज़ईफ़ा की हाजत ने मुझे परेशान कर रखा था। मैं तो खुद उनकी हाजात को पूरा करने की ख्वाहिश रखता हूँ। मैं जुलेखा से मिलने के लिए आपसे रुख्सत चाहूंगा। बिल्कुल नहीं, उस तहीदामन मुसीबत ज़दा दिल सोख्ता को हम सब ही देखना चाहेंगे। अगर आप इजाजत दें तो मैं जाकर उन्हें यहाँ ले आऊं। हाँ बिल्कुल, उन्हें लेकर आए। खुदावंद फरमाता है, जुलेखा बहुत तकलीफें उठा चुकी और अपनी खताओं की तलाफी भी कर चुकी। अब वो एक बाईमान और यकतब परस्त औरत है यूसुफ, उसकी दिलजोई करो और उसे अपनी जौजियत में ले लो कि उसके हक में की जाने वाली तुम्हारी दुआओं को हक ताला मुस्तजाब करेगा। तुम्हारा काम दुआ करना और तलब करना है, कबूल करना और अता करना खुदा के हाथ में है। क्या कोई नया पैगाम है नबी खुदा? अजीब सा फरमान था। हुक्म हुआ है कि जुलेखा की दिलजोई करके उसे अपनी जौजियत में ले दूं। इस दवाज उस बुरी आजीज़ा और दरमांदा ज़ईफ़ा से, वो तो बहुत सिन रसीदा है। फरमाने खुदावंदे यकता है कि उस सिन रसीदा दिल सोख्ता से अज़दवाज करो, वगरना मुझे आप जैसी खूबसूरत हमसर के होते हुए किसी और की क्या जरूरत है। अब वो जैसी भी हो मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पैगंबर खुदा की इंतहाई से पास गुजार हूँ। अगर जुलेखा खूबसूरत और बेमिसाल भी होती तो भी मैं हुक्म परवरदिगार की इताअत करती। बानो जुलेखा और उनकी खादमाएं शर्फ बारियाबी चाहती हैं।
समझ रही थी नबी खुदा की खिदमत में हाजिर हो रही। तुम हो जुलेखा? मैं कभी हुआ करती थी, अब तो सिर्फ तू ही तू है। दरमियान में कोई जुलेखा नहीं। पूछोगे नहीं मेरा सारा मालूम पता क्या हुआ? जानता हूँ, वो सब राह यूसुफ में लुटा दिया। पूछोगे नहीं वो मेरा सारा चाहो जलाल क्या हुआ? सुना है वो तुमने मेरी राह में फना कर दिया। पूछोगे नहीं मेरा वो उसने जमाल क्या हुआ, कैसे जायल हो गया? दर्द इश्क जहां सोज और जहां गुदाज हुआ करता है। अच्छा मुझे ये बताओ, यूसुफ से तुम्हारा वो इश्क कहाँ पहुंचा?
वो इश्क अब भी अपनी जगह है। अपने तमाम वजूद के साथ उसे परवान चढ़ाकर अपने सीने में महफूज कर लिया है। मुझे बख्श देना जो तुमसे इतने अरसे बेखबर रहा। इरादा खुदावंद जो सबके इरादों पर हावी है, उसने मुझे बेखबर रखा। ये तुम हो यूसुफ जो मुझसे इतनी मेहरबानी से पेश आ रहे हो? नहीं, ये हक ताला है जो तुम पर इस तरह करम फरमा है। इस वक्त तुम्हें परवरदिगार यक्ता की खास तवज्जो हासिल है। कहो मुझसे क्या चाहती हो? मेरे पास क्या नहीं जो तलब करो। महबूब चाहती थी सो मेरे सामने मौजूद है, माबूद चाहती हूँ सो उसके मुकसर में हूँ। अब तो सिर्फ एक ही आरज़ू है, दीदार यूसुफ, और उसके लिए दीदार भी न चाहिए जो मेरे पास नहीं। अगर माशूक के बस में तुम्हें बिनाई अदा करना नहीं है, माबूद के इख्तियार में तो है। तुम माबूद से तलब करो, मैं भी दुआ करता हूँ। अगर मशीयत हुई तो तुम्हारी आंखें मुनव्वर हो जाएंगी। परवरदिगारा, अपनी इस मुल्तमिस बंदी की आंखों को बिनाई अता कर दे। जिस तरह तूने इसके कल्ब को नूर ईमान से मुनव्वर किया है, उसी तरह इसकी आंखों को भी मुनव्वर कर दे। देख सकती हूँ, देख सकती हूँ, मैं देख सकती हूँ। सही से देखो, सब दिखाई दे रहे हैं। मुझे सिर्फ आप दिखाई दे रहे, मैं नहीं चाहती सिवाय आपकी किसी और को देखो। मैंने खुदा से दुआ की थी कि मेरी इन बेनूर आंखों को मुनाफर कर दे,
ताकि मैं आखिरी बार अपने यूसुफ को और देख लूं और फिर आप मुझे मौत आ जाए। अब जितनी भी मोहलत है सिर्फ आपको देखना चाहती हूँ। ऐ गर्म और हायल होने वाले आंसुओं, मुझसे क्या चाहते हो? उम्र के इस आखिरी लम्हात में तो मुझे अपने यूसुफ को खूब जी भर के देख लेने दो। इत्मीनान रखो जुलेखा, इरादा खुदावंदी ये है कि वो तुम्हें दोबारा जिंदगी अता करे ताकि अजियत और इंतजार के इन तवील सालों का अजाला हो जाए। इनायत खुदावंदी देख रही है? आपने देखा, सुलेखा को बिनाई मिल गई। क्यों नहीं, पयाम्बर दुआ करता है तो खुदा बंदे आलम जरूर मुस्तजाब करता है। बिनाई तो उसका अदना तरीन मौजजा है। बानो, तामा, बानो, 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 तुम दोनों कितनी बूढ़ी और कमजोर हो गई हो। बानो, तुम दोनों ने अपनी तमाम उम्र मेरी खिदमत करते गुजार दी। बानो, मैं तुम दोनों को देख सकती हूँ, मैं आपको देख सकती हूँ। आया आप भी लुत्फ इनायत खुदावंदी का मुशाहदा कर रहे हैं। मुझे क्या करना चाहिए, मैं किस तरह शुक्र अदा करूँ? आया सजदा करूँ तो काफी होगा? हाँ, सजदा शुक्र बजा लाओ कि बंदगी की खूबसूरत तरीन तजल्ली सजदा है। काहिना ने माबद आमून क्या देख रहे हैं? क्या अब भी शक की कोई गुंजाइश है? मैं कुछ नहीं देख रहा। अभी लम्हे भर पहले आपने मुझे होशियार कहा था, बस अब मैं इतना भी अहमक नहीं कि इस किस्म के तमाशों पर यकीन कर लूं। उम्र भर के झूठ और मुकर फरेब ने आप लोगों को अंधा, गूंगा और बहरा कर दिया है और अब आप लोग इस गुमराही से कभी नहीं निकलेंगे। किस चीज पर यकीन करना है मकाना है? खुदाए यकता की कुदरत पर या जुलेखा की बिनाई पर? हाँ, मुझे दोनों पर यकीन नहीं। मैं तो ये मानता ही नहीं कि जुलेखा कभी नाबीना भी थी। जुलेखा की नाबीनाई का शोहरा तो शहर भर में है, सब लोग जानते हैं। अलबत्ता मुझे आपकी बसारत पर शक जरूर हो रहा है। आपको जुलेखा के नाबीना होने में शक है? कोई बात नहीं, आपको इस बात का तो यकीन है ना कि जुलेखा ज़ईफ हो चुकी हैं? अगर ये जवान और खूबरू हो जाएं तो क्या फिर ईमान ले आएंगे? वो तो जाहिर है। अलबत्ता मैं आपको ये यकीन दिला दूं कि जिस दिन मुर्दे जिंदा होने लगे और तारीख की नूर हो जाएगी तो सुलेखा भी जवान हो जाएगी।
बानो होश कीजिए। बानो बेहोश हो गई। खूब तो आंख माहू, जुलेखा को जवानी भी मिल गई। मैं जानता था वो कल्ब जिसने हजारों बंदगान खुदा को कुफ्र और शिर्क को बुत परस्ती की जानिब तहरीक दी हो, वो कल्ब कभी हिदायत के नूर से मुनव्वर नहीं हुआ करता। अब भी नहीं चाहोगे कि युज़ार सिर्फ के खुदा पर ईमान ले आओ, उस आजिज और मजबूर आमून की पैरवी और परस्तिश करो। मैं तो युज़ार सिर्फ के पास जा रहा हूं। अब मैं मजीद आमून की पैरवी नहीं करना चाहता। आया नबी खुदा इस गुनाहगार को कबूल कर लेंगे। खुश आमदीद खुफू, खुश आमदीद। बानो होश कीजिए। बानो आंखें खोलिए। इन्हें होश आ गया। नाकाबिले यकीन है, खुदा ऐसी इनायत किसी किसी पर करता है। खुदा तुम्हें बहुत पसंद करता है। मुबारक हो। खुशी है कि आपको दोबारा जवानी और खूबसूरती मिल गई। मैं जीता ही पीना और खूबसूरत चेहरा तो पहले भी रखती थी, लेकिन तब मैं उसके खालिक को नहीं पहचानती थी। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि जिसने इस गुनाहगार को अपनी इनायत के लायक जाना। बानो, जनाबे युज़ार सिर्फ दरवाजे के पीछे तशरीफ फरमा है और गालिबन बानो जुलेखा से मिलने का इरादा रखते हैं। नहीं, अभी नहीं।
उनसे माफ़ कर लीजिए और फिलहाल मुझे माफ रखें। अगर इजाजत फरमाएं तो मैं चंद रोज अपने खुदा के साथ तन्हा रहना चाहती हूँ और सिवाय खुदा के किसी के बारे में सोचना भी नहीं चाहती। मैं कुछ समझ नहीं पा रही, इस इज्तनाब की वजह क्या है? मुझे खुद नहीं मालूम कि मुझे क्या हो गया, बस इतना जानती हूँ कि फिलहाल उनसे मिलना मेरे लिए मुमकिन नहीं। मेरी तरफ से उनसे माजरत कर लीजिएगा।